अगर इस छोटी सी जिंदगी में दूसरों को अपनी परेशानियां गिनवा गिनवा कर तुम थक गए हो ना, और बार बार खुद से सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हो कि आखिर मेरे ही साथ क्यों, तो मुबारक हो, मैं तुम्हारे लिए जवाब लेकर आया हूँ। तुमसे पहले यही सवाल न जाने कितने लोगों ने पूछा, उसमें से कुछ लोग बिखर गए और कुछ लोग थे जो निखर गए। जो निखर गए ना, उन लोगों को आज दुनिया जानती है, और जो बिखर गए ना, उनको तो उनके घर वाले भी भूल गए हैं। शाहरुख खान नाम जरूर सुना होगा तुमने, क्या तुम्हें पता है एक समय वो था जब वो बेंचेस पे सोते थे और दोस्तों से पैसे उधार लेकर फिल्म सिटी ट्रैवल करते थे। सचिन तेंदुलकर द गॉड ऑफ द क्रिकेट 8th क्लास में फेल हो गए, सब लोगों ने छोटी हाइट का मजाक उड़ाया। माइकल जॉर्डन को स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया। मैसी के पास फुटबॉल की ट्रेनिंग लेने के पैसे नहीं थे, इसलिए वो दुकानों पर चाय बेचा करते थे। निल्सन मंडेला 27 साल तक जेल में रहे। अमिताभ बच्चन को उनकी भारी आवाज के कारण ऑल इंडिया रेडियो से रिजेक्ट कर दिया गया। धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप पर जॉब किया करते थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को एयरफोर्स से रिजेक्ट कर दिया गया। बिल गेट्स ने अपनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कम्प्लीट ही नहीं करी। रजनीकांत 30 साल तक बस के कंडक्टर थे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब किया करते थे। बोमन ईरानी ताज होटल में रूम सर्विस स्टाफ थे। महेंद्र सिंह धोनी ट्रेन में प्लेटफॉर्म टिकट चेकर थे। इन लोगों ने भी तो ऊपर वाले से सिर्फ यही पूछा था कि आखिर इन्हीं की जिंदगी में इतनी परेशानियां क्यों। लेकिन बस अंतर पता है क्या है, इन लोगों ने उस जवाब का इंतजार नहीं करा जिस जवाब के इंतजार में आज भी तुम घर के अंदर अपने कंफर्ट जोन में शांति से बैठे हुए हो। इन्होंने उस जवाब को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर दिए और मेहनत का एक दूसरा रूप निकाला और इस दुनिया को बताया कि असली मेहनत किसे कहते हैं। इस दुनिया को बताया तकलीफों से लड़ा कैसे जाता है और असली सक्सेस किसे कहते हैं। क्या डेफिनेशन है तुम्हारे सेक्रीफाइसेस की, क्लास में तुम्हारा मजाक उड़वाना या दोस्तों से दूर हो जाना, अपने प्यार को खो देना या फिर करीबों को अपनी जिंदगी से दूर कर देना, यही सब ना, इससे ऊपर तो नहीं ना। यार तुम्हें पता है इन लोगों ने तो अपना सब कुछ खो दिया, सब कुछ जिसे खोने के बारे में तुम सोच भी नहीं सकते, और उन सबको खोने के बदले इन्हें मिली थी वो सक्सेस जिसे देखकर तुम्हें लगता है कि एक दिन तुम हंसते हंसते हासिल कर लोगे। यार मैं तुम्हें नेगेटिव नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा काम नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ एक रीजन तो बताओ, सिर्फ एक रीजन कि जिसके कारण ऊपर वाला तुम्हारी जिंदगी को और हसीन बना दे। कितनी तो उम्मीदें लगाते हैं हम ऊपर वाले से, उसने जिंदगी दे दी, उसने सांसें दे दी, उसने माता पिता दे दिए, उसने अच्छे दोस्त दे दिए, उसने जीने की वजह दे दी, उसने इतना बड़ा कर दिया, लेकिन अभी भी वही सब कुछ करके दे, वही तकलीफों से लड़ना सिखाए, वही तकलीफों में हमारे साथ खड़े हो जाए, वही बुरे वक्त में हमारे पास रहे, वही बुरे वक्त में हमें जीना सिखाए। और कितनी उम्मीदें लगाएंगे हम ऊपर वाले से, क्या हमारा कोई फर्ज नहीं बनता कि हम अपनी जिंदगी को अच्छा करें? क्या हर इनिशिएटिव वो ऊपर वाला ही लेगा हमारे लिए? एक इनिशिएटिव आज हम खुद नहीं ले सकते अपनी जिंदगी के लिए? सिर्फ एक इनिशिएटिव कि अपनी जिंदगी को तुम बहुत खूबसूरत बनाओगे, सिर्फ परेशानियों को नहीं खुश नसीबियों को भी देखोगे, उस नजरिए से देखोगे जिस नजरिए से दुनिया देखने से कतराती है, अपने हर दिन को दिल खोल के जियोगे और अपने हर दिन को सिर्फ सुबह उठने के लिए और रात में सोने के लिए नहीं बल्कि अपने आप को ग्रो अप करने के लिए बनाओगे। क्योंकि यार आज के ज़माने में तुम अपने बुरे वक्त के बारे में किसी को बताओगे ना, किसी को कुछ नहीं पड़ी, लेकिन अगर तुम ये बताओगे कि तुम उस बुरे वक्त से कैसे लड़े तो ये पूरी दुनिया तुम्हें सुनेगी और तुम एक नॉर्मल पर्सन से ऑडियंस से उठ के स्टेज पे आ जाओगे। हे खुदा, हे परमेश्वर, शुक्रिया मुझे इतनी परेशानियां देने के लिए, क्योंकि जब मेरी जिंदगी में ये परेशानियां ये तकलीफें नहीं थी तो मैं जिंदा मुर्दा था, मुझे एहसास नहीं था कि मुझ में भी कोई बात है, लेकिन जब ये सारी परेशानियां मेरी जिंदगी में आई तो मुझे पता चला, हाँ सुजीत, तुझ में कोई तो खास बात है। तो दोस्तों ये था सुजीत गोविंदानी अपनी एक छोटी सी सोच के साथ, और यार यारों आप लोगों को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं, बप्पा आप लोगों को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें और आपकी हर प्रॉब्लम में
आपके साथ खड़े रहे और आपको उन प्रॉब्लम से लड़ने की ताकत दे। और आप लोगों से अपने दिल की एक बात शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों, कि हम लोगों ने शुरुआत तो करी थी सिर्फ एक सिंगल व्यू से और आज हम लोग 5,000 से भी ज़्यादा लोगों तक पहुँच चुके हैं और ना जाने कितने लोगों की जिंदगियाँ बदल चुके हैं। आप लोगों के सपोर्ट के लिए आपका ढेर सारा शुक्रिया।